9 बराबर 0 लेना है, उसका फुल फॉर्म कास्टिंग आउट ऑफ 9 मेथड होता है। उसमें आपका एक डिजिट दिया गया था वर्ड SDN, सिंगल डिजिट नंबर 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 9 तक का। उसका बनाने का तरीका क्या था, क्वेश्चन के SDN को जिस ऑप्शन के SDN से मैच करा दिया जाता था वो उसका आंसर था। उसके बाद आपको गुना सिखाया गया था दो अंक का, 3, 4, 6, 3, 4 तिहाई 12 की दो हाथ में रहा 1, 3 तिहाई 9, 6 चौका 24, 24 और 9, 33 1, 34 की 4 हाथ में 3, 6 अठारह 3 21। क्या मेरा गुना सही है, यही आपको सीमेंट मेथड बताया था, 4 3 7 9 से कोई भी डिजिट में गुना होगा 9, 4 2 6 1 7 2 9 = 9, मेरा गुना सही है। उसके बाद फिर बताया गया था 8 5 4 3 2 1 गुना, 4 1 4 हो गया, 5 4 2 8 5, 13 की 3 हाथ में 1, 8 4 3 12 20, 5 10 30 और 1 31 का 1 हाथ में 3, 8 2 16 15 31 3 34 की 4 हाथ में 3, 8 3 24 और 3 27, ठीक है। ये गुना अब रह गए फास्ट, क्लास को फास्ट थोड़ा सा रखना पड़ेगा कंपटीशन वाले, आपको हमको स्टॉप करना होगा वहीं पर जहां आप नहीं समझ रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन को 3 बार समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे, उस विधि से नहीं समझ में आएगा हम आपको सीधा कॉन्सेप्ट पर ले जाएंगे। क्या दिक्कत है, 2 क्वेश्चन लॉन्गे मेथड मेरा एग्जाम में बनेगा, लास्ट टाइम उसको बना तो देंगे, 2 मार्क्स मेरा एक्चुअल एकदम परफेक्ट आ तो जाएगा, छोड़ने से बेटर रहेगा। तो कोशिश कीजिए सिर्फ समझने का, अगर आप अभी क्लास को फास्ट नहीं रखिएगा तो आपको वही एकदम मध्यम मध्यम वाला आदत रहेगा। और टाइम इस बार मेंशन करता है 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग है, जिसमें 10 आपका पहले छांट दीजिए स्टेटमेंट लगभग देगा, एकदम पैटर्न शायद चेंज कर चुका है एग्जाम का, तो उस समझ में नहीं आएगा। हम क्लास लेंगे समझ में आएगा, लेकिन फिर भी वो 3-4 क्वेश्चन परेशान करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है इसमें। तो कोशिश करेंगे कि आपका 7-8 निकाल दें हम, 2-3 क्वेश्चन फिर भी फंसेगा क्योंकि उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना होगा, सेलोलिज्म उसके बाद उसको एजम्पशन से कनेक्ट करके दोनों को कनेक्ट करना होगा, तब जाके आपका स्टेटमेंट निकलेगा। तो टाइम कम है, ये आपका 45 क्वेश्चन में साइंस भी देगा, तो साइंस में भी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ही रहता है, ऐसा नहीं है कि सब देखिए और तुरंत लगा दीजिए, एक से एक ऑप्शन इस बार बहुत अच्छा अच्छा दिया था, कंफ्यूज होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं टाइप 3 पर। एवरेज में हम क्या बताए थे, एवरेज में बताया था कि अगर डीओपी सेम है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। दूसरा टाइप सारा क्वेश्चन गया था एवरेज का मध्य मान पर, औसत बराबर मिडिल मान। और तीसरा सारा क्वेश्चन गया था मूल संख्या गुना मूल औसत प्लस माइनस x बटा नया संख्या बराबर नई औसत, जिसमें रुकने के लिए पहला बार हम बोले थे एक से रिलेटेड प्रश्न को जब एवरेज से कनेक्ट करता है तो हम क्या करेंगे, पूर्व में दी गई एज को जोड़ देंगे। दूसरा हम आपको कनेक्ट रोके थे, हो जाती है एक व्यक्ति का एक परिवार के आयु में औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब इसको निकाल के उसको डाला जाता है, तो उसका एक्स मान के लास्ट में प्लस 2 करना है, वो याद रखना है, ठीक है। और तीसरा 13 संख्याओं का औसत में पहला 7 अंतिम 7 उस टाइप का बहुत सारा, हम देखिए होता क्या मैथ्स का कमी नहीं है चैप्टर में, एवरेज अगर पढ़ लिए तो ऐसा नहीं कि एवरेज खत्म हो गया, इतना सारा है, बहुत सारा, ये बुक बना वो बुक बना वो बुक बना वो बुक बना, कितना बना, जितना बनाते हैं फिर एक नया क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग को क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, पूरा कभी पढ़ ही नहीं सकते। दूसरी बात, हम लोग के पास टाइम सफिशियंट है, जो बैच 1 साल में खत्म होनी होती है उसको हम लोग 3 महीने 3.5 महीने में खत्म करते हैं, तो हमको सिर्फ टू दी पॉइंट पढ़ना है। आपको हम चैप्टर जितना टाइप है हम अपने वाले सेट से देंगे, और ऐसा अगले बैच में नहीं किया जाता था, लेकिन इस बैच में फिर सोचा गया कि नहीं प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अगली बार फिर कब जॉब का वैकेंसी आएगा तो हमको भी नहीं पता, तो इसलिए आई थिंक निकाल लीजिए जितना निकाल सकते हैं, अच्छा आपका ऑफर है बहुत अच्छा है तो निकाल लीजिए, तो प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। अब वर्क मिले तो ये नहीं कि कल करेंगे, कल के फेर में आप इतना पीछे होइएगा तो आपको खुद नहीं पता है। मेरा बैच थोड़ा फास्ट रहता है, एक चैप्टर एक क्लास छूटने का मतलब 2 टाइप निकल गया, और वो टाइप है कि जो आपको बुक नहीं समझा पाए। आप मेरा टाइप देख रहे हैं, हर टाइप में थोड़ा अलग रहेगा, है वही चीज लेकिन थोड़ा अलग है, आपको ईजी मिलेगा, लेकिन यही है उसको पकड़िए तब, छोड़िएगा तो बहुत क्लास पीछे पड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1 में वर्क एंड टाइम में हम लोग क्या किए थे, वर्क एंड टाइम में टाइप 1 में आपको 4 दिया गया था, पहला n किसी काम को a दिन में करता है और n किसी काम को b दिन में करता है तो दोनों मिलकर a गुना b बटा a प्लस b। दूसरा आपको बताया गया था कि m और n किसी काम को a दिन में करता है, n अकेले भी दिन में करता है तो m कितना दिन में करेगा, तो a गुना b बटा b माइनस a। तीसरा a b c किसी काम को इतना 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 दिन में करता है तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो उसमें एलसीएम लेकर नीचे सब पार्टी से डिवाइड देकर काट देना था, लेकिन अगर दो दो का कॉन्टेंट दे देता था, a प्लस b इतना दिन में, b प्लस c इतना दिन में, c प्लस a इतना दिन में, तब सब वही प्रोसेस है, लास्ट में कितना से मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई हमको कर देना था। उस क्वेश्चन में ट्रेजेडी कहां लाया था, क्वेश्चन में ट्रेजेडी लाएगा कि ए बी ए और बी इतना दिन में, बी और सी इतना दिन में, सी और ए इतना दिन में करते हैं, तो ए अकेले या बी अकेले या सी अकेले,
एक यहाँ पे आएगा, दूसरा ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को इतना दिन में करते हैं, और ए इतना दिन में, बी इतना दिन में, तब सी इतना दिन में, उसके बाद उस सब चारों टाइप को टाइप वन के अंदर जो है पेमेंट ऑफ वेजेस से कनेक्ट कर देगा। तो पेमेंट ऑफ वेजेस का हम कहानी बताए थे जो कि गति वाला क्वेश्चन से हम आपको कनेक्ट किए थे, क्या करना था रिवर्स मार देना था। तो यही पढ़ने का वे होता है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि उस क्वेश्चन में ये टाइप टू में गए थे, तो टाइप टू का पहचान आपका यही था कि जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए शेष काम को वो करेगा, तो क्या किए थे 20 दिन में वो काम करता है 12 दिन किया तो 12/20 3/4 खत्म, 3/5 खत्म, बचा 2/5 उसको जो करेगा उससे कनेक्ट। इसमें ट्रेजडी आया था कि अगर कुल पूछे तो नीचे वाले को भी जोड़ेंगे और ऊपर जितना दिन किया उसको भी जोड़ेंगे। क्लियर है यहां तक? टाइप थ्री में, टाइप थ्री में क्वेश्चन को लंबा किया था, एक फिगर ड्रॉ किए थे, फिगर में कुल काम को हमको कितना लेना था एक्स लेना था, एक फिगर पे सजा देना था, अगर कोई काम को कर रहा है तो टिक करना है, अगर भाग जाता है तो वहां से उसको कट कर देना, और ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 1 करके इक्वेशन बैठा के उसको सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। उसमें शायद हम 2-3 क्वेश्चन एक्स निकालने पर किए थे कुल पर, उसी का दूसरा टाइप लिखा था, दूसरा पार्ट टाइप नहीं लिखा। किसी काम को क्लास छूटा भी है, कोई नए लोग भी हैं इसमें आज के क्लास में 1, 2, 3 ठीक है, जो छूट गया उसको पकड़ने का कोशिश मत कीजिए, जहां से नया टाइप मिलेगा वहां से पकड़िए, जो छूटा उसके बैक आएगा, मॉर्निंग या नाइट में एक बैच भी का स्टार्ट होगा उसमें भी आप चैप्टर मेंटेन कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 20 तथा 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया, इसके बाद बी के स्थान पर सी आता है, 4 दिन तक काम किया, 6 दिन तक, सॉरी कोशिश कीजिए एक बार में लिखने का, हम हर सेंटेंस को 2 बार बोलेंगे। ए और बी किसी काम को 20 तथा 15 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, इसके बाद बी के स्थान पर सी आता है, इसके बाद बी के स्थान पर सी आता है, यदि अगले 4 दिन में शेष काम पूरा हो जाए, यदि अगले 4 दिन में शेष काम पूरा हो जाए तो सी अकेले पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो सी अकेले पूरा काम कितना दिन में करेगा, हो गया? अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 तथा 30 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 तथा 30 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया, ए और बी किसी काम को 20 तथा 30 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया और बी काम छोड़कर चला गया, और बी काम छोड़कर चला गया, यदि शेष काम ए अकेले 10 दिन में करे, यदि शेष काम ए अकेले 10 दिन में करे तो हाँ बी काम छोड़कर चला गया, यदि शेष काम ए और बी किसी काम को 20 तथा 15 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर सॉरी 20 तथा 30 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया और बी काम छोड़कर चला गया, यदि ए अकेले उस काम को शेष काम को 10 दिन में किया, यदि शेष काम को ए ने 10 दिन में किया तो बी ने कितना दिन तक काम किया था, तो बी ने कितना दिन तक काम किया था। थर्ड क्वेश्चन,
नल ए और बी, इस क्वेश्चन में बीबीआई लगाइएगा, दो बार पूछा है ऑनलाइन में, इस बार नल वाला, नल ए यही टाइप, नल ए और बी किसी टंकी को 20 तथा 15 घंटे में भरते हैं, नल ए और बी किसी टंकी को 20 तथा 15 घंटे में भरते हैं, हाँ 20 तथा 15 घंटे में भरते हैं, जबकि नल सी किसी उसी टंकी को 25 घंटे में खाली करता है, जबकि नल सी उसी टंकी को 25 घंटे में खाली करता है, तीनों नल एक साथ खोले गए और 10 घंटा बाद बी को बंद कर दिया गया, तीनों नल एक साथ खोले गए और 10 घंटे बाद बी को बंद कर दिया गया, तो पूरी टंकी कितने समय में भर गई, तीनों नल एक साथ खोले गए और बी को 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया, दस सी कर दीजिए वहां पर, बी नहीं, सी को 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, बंद कर दिया गया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसका खत्म हो गया ये टाइप। ए और बी किसी काम को 20 तथा 30 दिन में करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ए और बी किसी काम को 20 तथा 30 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, ए और बी किसी काम को 20 तथा 30 दिन में करते हैं और दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, और ए काम से हट गया, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया और ए काम से हट गया, इसके बाद बी अकेले 5 दिन तक किया, इसके बाद बी अकेले 5 दिन तक किया और फिर ए काम पर वापस आ गया, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, और फिर एक काम पर वापस आ गया, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, कितना क्वेश्चन हुआ, चार क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, पहले 5 मिनट 6 मिनट का हम समय देते हैं, 5 दिन तक काम किया और ये वापस आ गया और पूरा काम मिनट का टाइम है, 7 मिनट का कोशिश कीजिए थोड़ा बनाने का, उसके बाद फिर हम बताएंगे, और टाइप वही 3 पर ही है, कोई अलग नहीं है, अगर आप फिगर बना लेते हो और इक्वेशन पे सेट कर लेते हो तो आंसर आएगी, नहीं तो फिर समझने का कोशिश करना है कि फिगर बनेगी कैसे, Thank you.
जिनका चारों आंसर आ जाएगा वो बोलेंगे। चारों पहला का 40, दूसरे का 15, तीसरा का 12, चौथा का 15। चलिए ठीक है, देखते हैं, मिलाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, अब समझिए आप लोग खुद। ये क्वेश्चन ऑनलाइन पे देता है तो प्रॉब्लम होता है, एक तो टाइम खत्म होते जा रहा है, टिक 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 बढ़ते जाएगा, उसके बावजूद कंफ्यूज नहीं कीजिए आप, इसमें दो ही को बात है, फिगर ड्रॉ कीजिए, इक्वेशन सेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था बोलिए, काम को 20 तथा 15 दिन में करते हैं, ए और बी 20 और 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किए, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया, इसके बाद बी के स्थान पर सी आता है, बी भाग गया, सी स्टार्ट हो गया, यदि अगले 4 दिन में शेष काम पूरा हो जाता है, चलिए ये काम 4 दिन का है, तो सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, सी अकेले कितना दिन में काम करेगा यही निकालना है, ठीक है। तो फिर वही बात, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 1 कंप्लीट। इसमें किसकी चर्चा नहीं की गई, एक ही, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए तो ये काम कितना दिन चला, 6 और 4, ये तो पूरा 20 दिन में 10 दिन रहा ना, बी भाई साहब यहाँ के बाद भाग गए थे, तो कितना दिन बाद भाग गए, 6/15, और सी पूरे काम में कितना दिन रहा, नीचे कुछ नहीं है, इसी को हमको क्या देना था, खत्म हो गया, इसको आप बैठ कर सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 60x 20 30x जोड़ 15 × 24 प्लस 6 × 24 = 240 1, तो कितना हो गया 54x प्लस 240 बराबर 60x, इसको उधर भेजिए 6x बराबर 240 x बराबर 40 दे, आ रहा है जा रहा है, एक ही पहचान है कि कोई व्यक्ति काम में लास्ट तक रहेगा, फिगर में आपको बोला गया ए और बी काम 20 और 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 6 दिन तक किया, तो यहां से काम शुरू किए और 6 दिन तक चले और बी भाग गया, जो जहां से जाता है वहां कट करना है, जो शुरू करता है वहां स्टार्ट कर देना, इसके स्थान पे कौन आया सी, अब पूरा काम 4 दिन में खत्म हो गया, तो अब इस इक्वेशन को सेट करेंगे, व्यक्ति के वो तीन, वो तीनों मिलकर कितना काम किया, एक काम, ये पूरे काम में जिसकी चर्चा नहीं है इसका मतलब वो पूरा काम में रहा है, तो इसकी चर्चा नहीं है, एक का ये यहां से लेके यहां तक है, यानी कि 20 दिन में खत्म करता है और 10 दिन तक किया, तो 10/20, बी 6 दिन बाद भाग गया तो काम में कितना दिन रहा, 6 दिन, 6/15, और सी 4 दिन तक था, कितना दिन में उसकी एबिलिटी है वही हमको निकालना है, इक्वेशन को सेट कर दिया, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जिनको फिगर नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, ए और बी मिलकर किसी के काम को 20 तथा 30 दिन में करते हैं, ए बी 20 और 30 दिन में करते हैं,
दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया। अब यहाँ से बात आई कि दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया था, कुछ आपको पता है? नहीं। एक्स पहले हम क्या करते थे कि सब वैल्यू देता था तो टोटल को हम क्या मानते थे? एक्स। लेकिन यहाँ पे अब टोटल वाला सिस्टम खत्म, अब कोई एक कंटेंट गाइड कर रहा है तो कंटेंट के लिए जैसे बोल रहे हैं हम वैसे चलेंगे, मेरा रूल टाइप चेंज नहीं हुआ। आगे और बी काम छोड़कर चले जाते हैं, बी भाग गया, कट गया। यदि शेष काम ए अकेले 10 दिन में समाप्त करते हैं, यहाँ से 10 दिन में काम हो गया खत्म, तो बस दुए को ना पार्टी है। ए प्लस बी बराबर 1। एक ही बात करते हैं, पूरा दिन था x प्लस 10/20। अब b कितना दिन बाद भाग गया? 30 बराबर 1। एक लाइन का इक्वेशन है 20 3x जोड़ 30 और जोड़ 2x बराबर 1, 5x जोड़ 30 बराबर 60, 5x बराबर 30, यानी कि b कितना दिन बाद भागा था? 6 दिन बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर पे बोला जाए नल ए और बी किसी टंकी वर्क एंड टाइम और पाइप और टंकी कहीं चैप्टर भी सी आदमी है और वहां पे ए बी सी नल है। एक ही बात याद रखना है, जो नल टंकी को खाली करेगा वो माइनस होगा, बाकी सारा रूल टाइप सब यही वर्क एंड टाइम का, कोई अलग नहीं है चैप्टर पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं, बोलिए। चलिए ए और बी 20 तथा 15 घंटे में, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का था, कंफर्म नहीं लिखा हुआ था, बोलिए। 15 घंटे में बढ़ते हैं जबकि नल सी उसी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है। सी उस टंकी को 25 घंटे में खाली करता है। अब देखिए खाली वाला टंकी है, इंडिकेटर चला, आगे खाली करते हैं, तीनों नल एक साथ खोला जाए, खोल दिया गया तीनों नल, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, 10 घंटे बाद सी खत्म हो गया, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगा? टंकी कितने घंटे में भर जाएगा? एक्स। जहां पे ही कंटेंट गायब होने लगा जब कुछ नहीं दिया तो हम क्या बोले थे, पूरे काम को एक्स मानना है। सेट कीजिए, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 1। ए पूरा था एक्स बटा 20, बी पूरा था एक्स बटा 15, लेकिन सी 10/25, यहाँ साइन किस चीज का? 1। एलसीएम पूरा करके निकाल देंगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 120 300 15x 20x और माइनस 120 बराबर 1, 35x बराबर 420, x बराबर 12। पूरा टंकी कितने घंटे में भरेगी? 12 घंटे। और एक फोर नंबर क्वेश्चन लिखने पे बाद में ध्यान दीजिएगा, हाँ ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। चलिए देखिएगा, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, और ए काम से हट गया, ए हट गया कि बी हट गया, एक काम पर से हट गया, इसके बाद बी अकेले 5 दिन तक किया, बी अकेले 5 दिन तक किया, अब फिर यहाँ पर ए क्या हो गया? आ गया। ये पूरा काम को अब हमको क्या मानना होगा? अगर ये कंटेंट नहीं भरा तो ऊपर एक्स मानेंगे, और यहाँ देखिए ये भर जा रहा है तो ऊपर एक्स मानने का जरूरत नहीं। अब इस क्वेश्चन सेट कर दीजिए, दो ही व्यक्ति है ना, ए और बी बराबर 1। जरा सोचिए किसकी चर्चा नहीं की गई? सी है ये नहीं है, बी की चर्चा नहीं की गई, बस एक्स बटा 30। और ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, इतना दूर वो गायब है, कितना दिन का काम है? 5 दिन का, यानी पूरे काम में से वो 5 दिन गायब था। फिर एलसीएम 60 3x-15 अजोल 2x-1 3 और 2 5x-75 x पूरा काम 15 दिन का, यही आपका टाइप थ्री था। नोट कीजिए इसको, बिना घर पे 2 बार प्रैक्टिस किए हुए कुछ होने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, जितना क्वेश्चन दिया गया उतना ही भी कीजिए, ज्यादा मत बनाइए, उसके बाद आपको होमवर्क के तौर पे जो सेट दिया जाएगा उसको सॉल्व कर लीजिए।
हाँ वो घर से बना के लाना है, कल इसकी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में, और बना ही लीजिएगा, कल पे मत डालिएगा नहीं तो प्रॉब्लम होगा आप ही लोगों को, क्योंकि आपको खत्म करा दिया गया है चैप्टर। जिनका हो गया पीछे बढ़ा दीजिएगा। बुक होगा 100, एक दो नहीं, कारण है मैथ्स पढ़ाना है तो 100 मैथ्स बुक है। अधिकांश एग्जाम में बैठता है सिर्फ ये देखने के लिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है, क्या क्वेश्चन लड़ती है। हम गारंटी देते हैं आपका कि 55 में आपका 50 प्लस मारोगे, लेकिन ऑप्शन यही है कि मेरे साथ साथ चलना होगा। कोई बुक बनाने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, आपको जरूरत है सिर्फ इसकी। जिसके पास ये है वो मैथ्स का राजा है, जिसके पास ये नहीं है वो कितना भी बुक बना ले, अगला क्वेश्चन फिर आएगा तो कंफ्यूज करेगा ही करेगा। तो जितना क्वेश्चन आपके कॉपी में दिया गया है उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बनाइए, सिर्फ ये करने के लिए। अच्छा ये टाइप ऐसे करना है, आंसर आ गया, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो हमको ये दिमाग काम करे कि हमको इस टाइप पे जाना है, एक वर्कर के तरह कि हम ई काम में ऐसे किए थे, यहां गए थे तो ऐसे गए, एक बार जाते हैं तो भूल जाते हैं तो दूसरा बार वहां मार्का लगाते हैं, वहां पान के घूमती था, फिर गए तो हम गली नहीं देखते हैं, वो गुमटी को देखते हैं, अच्छा यही है। तो ये काम करना होगा आपको, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा चैप्टर को तब तक वो अपना नहीं होगा। बिटाएं हेडिंग दीजिए टाइप 4, टाइप 3 ही था ये। क्या बोले, कितना टाइप है, अगर पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे तो 8 को टाइप, तो 9 को तो कोई नहीं रोकेगा। एचसीएफ एलसीएम में 14 टाइप, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा क्योंकि आपको चैप्टर कम किया है, जेल चैप्टर कम किया, जो चैप्टर आपको लिखा है पूरा पढ़ना पड़ेगा आपका। कम से कम तो ऑनलाइन में ऐसा थोड़ी है कि एक दिन एग्जाम लेगा, 10 डेढ़ से कम में, 12 डेढ़ से कम में एग्जाम नहीं लेगा, 3 शिफ्ट में एग्जाम लेगा, तो 36 को एग्जाम हुआ, 36 में 60 को क्वेश्चन पर शिफ्ट में देगा, सब में एक के चैप्टर, सब में एक ही नहीं रहेगा, हो सकता है इनमें एचसीएफ रहेगा तो इनमें लॉगरिथम गायब हो जाए, इनमें ट्रिगो रहेगा तो इनमें ज्योमेट्री गायब हो जाए। एएलपी में पिछला बार जो लोग बैठे होंगे, सिस्टम क्या था, ऑनलाइन हुआ नहीं, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन वर्केंट टाइम से रेगुलर, चारों वर्केंट टाइम वो खत्म हुआ, बीच में एक कुछ वो है, फिर उसके बाद 1, 2, 3 क्वेश्चन एवरेज से, पांचे को चैप्टर में पूरा 25 क्वेश्चन पूरा कर दिया। तो आपको पाबंदी उस पर नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो किससे पूछेगा, कितना क्वेश्चन पूछेगा उस पर डिपेंड करता है, कौन क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूरा पढ़ के तैयार रहना होगा। चलिए टाइप 3 देखिए, टाइप 3 कहने के लिए बड़ा आसान है, लोग को लगता भी है कि बहुत आसान है क्योंकि लोग उसको टाइप 3 कह के निकाल देते हैं, लेकिन टाइप 3 में कितना टाइप होता है, अभी लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं। टाइप 4 M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 B2 H2 W2 M1 M2 मैन या वर्कर, D1 D2 डेज, H1 H2 आवर,
बस यही ट्रिक है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। M1 M2 वर्कर है, चाहे वो गाय हो जाए, आदमी हो जाए, बकरी हो जाए, बैल हो जाए, कुछ भी हो जाए, जिल्द साज हो जाए, कोई मशीन हो जाए। D1 D2 डेज है, दिन। H1 H2 घंटा है। ये तीन ही ऊपर रहेगा, उसके अलावा जितना भी वर्ड हो, इतना हेक्टेयर घास चढ़ गया, 1200 कॉपी वो जिल्द किया, 5000 रुपया कमाया, इतना आदमी के लिए 200 टन भोजन था, सारा फालतू वर्ड कहां जाएगा? नीचे W1 वर्ग के। इसका टाइप क्या है? कोई एक कंटेंट को आपको गायब कर देगा, उसी को एक्स मान के निकालना है। पीजी से लेकर हम लोग ऊपर चलेंगे, ये आपको सबसे मदद तब देगा। याद कीजिए, क्वेश्चन आता है वर्क एंड टाइम में क्षमता से रिलेटेड, जो कि आपको चेंज करना पड़ता है कुछ रेशियो, आंसर लाते कुछ है आता कुछ है, वो सब इसमें निकाल देगा। दूसरी याद कीजिए, एक लड़का, एक आदमी और एक औरत, तीनों मिलकर किसी काम का इतना 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 दिन में, वो इसी टाइप को निकालेगा। वो कहने का एक टाइप ये है, खाली लिखा दिया जाता है कॉपी पे, लेकिन ये तीन चार टाइप निकालेगा। देखते जाइए कैसे, बहुत लंबा टाइप है। देखिए क्वेश्चन इसका, कोई काम 15 दिन में करता है, 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 आदमी 18 दिन में 4 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं, 40 आदमी 18 दिन में 4 मीटर ऊंचा दीवार बनाते हैं, 40 आदमी 18 दिन में 4 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं, 400 मीटर कर दीजिए उसको, 4 मीटर बड़ी कम लग रहा है दीवार, तो लग रहा है कुछ ऐसा ही आप सबको। 40 आदमी 18 दिन में 400 मीटर दीवार बनाते हैं, कितने आदमी 6 दिन में, 500 मीटर दीवार ऊंची दीवार बनाएंगे? हो गई। अगला क्वेश्चन, 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 8 दिन में करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता पड़ेगी? कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 आदमी और अधिक होते हैं, तो यह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। यदि 8 आदमी और अधिक होते
तो यह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाती है। प्रारंभ में कितने आदमी थे? प्रारंभ में कितने आदमी थे? नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ आदमी किसी काम को 22 दिन में करते हैं, कुछ आदमी किसी काम को 22 दिन में करते हैं, यदि 3 आदमी चले जाते हैं, यदि 3 आदमी चले जाते हैं, काम 2 दिन देरी से समाप्त होता, काम 2 दिन देरी से समाप्त होता। चलिए देख लिया गया इसको, पहले समझ लीजिए उसके बाद, क्योंकि दिखने में बड़ा इजी है और यहां तक है भी इजी। इसके बाद तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, 2 दिन देरी से समाप्त हुआ तो प्रारंभ में कितने आदमी थे? इजी है क्योंकि यहीं तक इजी है, इसके बाद इसमें टाइप बाई टाइप जुटते जाएगा तो मजा आएगा। पहले बोला 42 आदमी किसी काम को 15 दिन में, तो 30 आदमी कितना दिन में काट दिए, 21 डेज। 40 आदमी 18 दिन में 400 मीटर, तो कितना आदमी 6 दिन में 500 मीटर। ये सब खत्म, 4 से 10 और 6 से 3, यानी कि 10 दी आई 30 डेज। उसके बाद 7 आदमी 12 दिन में करता है, कितने आदमी अतिरिक्त होता कि दुगुना, क्या बोले फालतू कौन वर्ड आया, दुगुना नीचे डाल दिया, ये नीचे एक गुना था, ये नीचे दो गुना, दो चौका 8, 4 से 4 तिहाई 12, 7 तिहाई 21 में से 7 गया, x बराबर 14 आदमी। x आदमी किसी काम को 60 दिन में करता है, 8 आदमी ज्यादा होता, जाहिर सी बात है आदमी ज्यादा होगा तो काम का समय क्या हो जाएगा, अच्छा ये हाँ इसको 150 से गुना कर दीजिए, 150 आदमी हाँ 10 तिहाई 30, ये 5 वहां जाएगा 150। अब उसके बाद कितने कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में, 8 आदमी और ज्यादा होता तो 10 दिन पहले करता था 60 दिन में, 10 दिन पहले 50 दिन, ये खत्म। तो 6x बराबर 5x प्लस 40, x बराबर कितना ज्यादा होता, शुरू में 40 आदमी था, बाद में 48, और ये यहां कर दीजिए 2 से 12 और 11, 11x बराबर 12x माइनस 36, x बराबर प्रारंभ में 36। इसी टाइप में अब 3 वो और चलेगा क्वेश्चन बढ़िया से। सबसे बड़ी बात है दो बात, आपका क्लास में हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक दिन में एक टाइप चल रहा है, तो दूसरी बात यह है आप अपना पहले वो बिल रसीद लीजिए ताकि अटेंडेंस अटेंडेंस का झंझट खत्म हो, 12:30 से 1 बजे के बीच में टाइम लैप्स होता है, जितना जल्दी ये सब आपका काम है, हम लोग का काम नहीं है, खत्म कीजिए और अपना क्लास सही से स्टार्ट कीजिए, 1 घंटा 1.25 घंटा बहुत मायने रखता है, जरूरी है। और वो जो पेज दिया गया बना के आइएगा, बताइएगा नहीं सर, चौथा वाला बताइए।